नमस्ते, इदानिम में आपका स्वागत है। मेरा नाम रमन है। आज हम आनापानसति ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। आनापानसति का अर्थ है अपने श्वास के प्रति एक होश, एक जागृति। भगवान बुद्ध ने इस ध्यान को आनापानसति सुत्ता में डिटेल में समझाया है। यह ध्यान करने से आपका फोकस बढ़ता है, विचार कम होते हैं और आप केंद्रित महसूस करते हैं। आप इस ध्यान को दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने दिन की शुरुआत इस ध्यान से करेंगे तो आपको इसके अधिक से अधिक लाभ दिखाई देंगे। यह ध्यान आप किसी भी आसन में बैठकर कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप अपने सहारे के लिए तकिए या कुशन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने पैरों को आराम से जमीन पर टिका के रखें। हाथ आप अपने घुटनों पर या अपनी गोद में रख सकते हैं। अब आप अपने ध्यान के आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधा रखें, सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सीधी लेकिन बिना किसी तनाव के। अपने माथे को ढीला छोड़ दें। अपनी आंखों को ढीला छोड़ दें। अपने फेस मसल्स, अपने जबड़े को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कंधे ढीले, पूरे शरीर को शिथिल और ढीला कर लें। कोई तनाव नहीं, एक सहज भाव। अब अभ्यास के अंत तक स्थिर बैठे रहने का मानसिक संकल्प लें। और यदि फिर भी आपको ध्यान के दौरान किसी भी समय अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हिलाना है तो इसे बहुत धीरे और पूरी जागरूकता के साथ करें। अब अपनी बंद आंखों से अपने शरीर को महसूस करें। अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाली संवेदनाओं को देखें। अपने शरीर के नेचुरल स्टेट को फील करें। अब आप अपने शरीर के उस हिस्से को चुनें जहां आपकी श्वास आप सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। यह आपका पेट, आपका सीना या आपके नासिका द्वार हो सकते हैं। अपने श्वास की स्वाभाविक क्रिया को महसूस करें। अपने श्वास के होने को महसूस करें।
ध्यान के समय बस एक बात का खास ध्यान रखना है। आपको जब भी एहसास हो आप अपने विचारों में भटक गए हो, खो गए हो, तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी श्वासों पर लाएं, बिना किसी झुंझलाहट के, बिना किसी चिड़चिड़ाहट के, बिना किसी संघर्ष के। विचारों में भटकना बहुत सामान्य है, बस जब भी आपको याद आए, आपको होश आए, आप भटक गए हो, तो बस जाने और वापस अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास को बदलने की कोशिश ना करें। अगर यह धीमी है तो जाने ये धीमी है और इसे धीमी रहने दें। अगर ये तेज है तो जाने ये तेज है और इसे तेज रहने दें। अगर ये गहरी है तो इसे गहरा रहने दें। अगर ये शिथिल है तो इसे शिथिल रहने दें। जैसी है वैसी रहने दें। बस जागरूकता बनाए रखें अपने श्वासों के प्रति। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अगर आप अपने विचारों में भटक गए हैं तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी श्वासों पर लाएं। कोई संघर्ष नहीं, एक सहजता बनाए रखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है।
अब आप अपना ध्यान श्वासों से हटा लें और कुछ समय के लिए मौन और शांति में स्थित हो जाएं। अपने अंदर की इस गहन शांति को महसूस करें, अपने होने के एहसास को महसूस करें। और इस बीच अगर आपकी चेतना, आपका ध्यान अपनी श्वासों पर या अंदर और बाहर की आवाज़ों पर या फिर अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं पर केंद्रित होना चाहे, उसका आनंद लेना चाहे, तो उसे पूरी इजाज़त दें। बस इस होश, इस साक्षी भाव को बनाए रखें। अपने अंदर के आकाश, अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए और उसके साथ एक होश, एक शांति, एक प्रेम भाव, एक जागृति का भाव, एक सहजता। जब आपको एहसास हो आप विचारों में खो गए हो, तो वापस अपना ध्यान इस मौन, इस आकाश, इस शांति पर वापस ले आए।
अब इससे पहले कि हम इस ध्यान को समाप्त करें, आपके लिए कुछ होमवर्क है। आज जब भी आप खुद को किसी चीज का इंतजार करते हुए पाएं, तो कुछ सेकंड्स के लिए अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लेके आएं। आप ऐसा तब कर सकते हैं जब लिफ्ट का इंतजार कर रहे हो, या डाइनिंग टेबल पे खाने का इंतजार कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज का इंतजार कर रहे हो। अब यदि आप वापस आना चाहते हैं, तो अपने पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएं, अपने कंधों को कानों की तरफ खींचें, कुछ स्ट्रेच करें। अपनी हथेलियों को नमस्ते मुद्रा में एक साथ लाएं और आपस में रब करें, और अपने हथेलियों की गर्माहट और नरमाहट को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर महसूस करें, और बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलें। एक शांति भाव के साथ, एक सहजता के साथ, एक प्रेम भाव के साथ, एक जागृति के साथ, एक होश के साथ, यदि आपके पास अपने ध्यान से संबंध में कोई भी क्वेश्चन हो या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो मुझे raman@idanim.com पर मेल कर सकते हैं, या फिर इदानिम ऐप पर आस्क द एक्सपर्ट फॉर्म पर लिख सकते हैं। मेरे साथ ध्यान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो। नमस्ते।